वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं मंटू, एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आ चुका हूं आप सबके लिए फिर एक वीडियो लेकर, जो कि गांधी सेतु पुल का। तो आपको पता होगा जो पुराना वाला गांधी सेतु पुल है उसको बना के न्यू कर दिया गया और उस पर गाड़ी दौड़ रहा, जो कि 22 जून को और 2022 को उसको उद्घाटन कर दिया गया है। और उसी को समांतर साइड में एक ब्रिज और बनाया जा रहा है, जो कि न्यू गांधी सेतु पुल, उसको 4 लाइन बनाया जा रहा है। और जो गांधी सेतु पुल के समांतर जो पुल बनाया जा रहा है उसका खर्च आपको बता दें, जो कि 1800 करोड़ रुपया लागत से बनाया जा रहा है। और उसका लंबाई बताएं तो 14.5 किलोमीटर लंबाई है। और जो कंपनी बना रहा है, जो कि SP सिंगला कंपनी के अंडर में एक पुल बन रहा है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, जीरो माल से राम आशीष चौक तक, मतलब जितना होता है वो आपको पूरी अपडेट देते हैं, कितना काम मतलब हुआ है और कितना काम अभी बाकी है। तो मेरे साथ वीडियो में आप बने रहें। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं आ चुका हूँ जीरो माइल के पास और देख सकते हैं जीरो माइल से ही आपको गंगा के उस पार जाने के लिए बस और ऑटो मिल जाएगा। और आपको बता दो जो न्यू गांधी सेतु पुल बनने वाले हो और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा गंगा के उस पार तक, पूरा बनते हुए इसी से आगे तक चला जाएगा। और ये जो आप ऊपर पुल देख रहे हैं ये अभी मेट्रो बनने का काम है और यहाँ मेट्रो स्टेशन भी एक बनने वाला है। और देख सकते हैं मेट्रो का काम कुछ इस तरह से स्पीड हुआ है। तो चलिए आपको आगे तक, यहाँ से लेकर आगे तक आपको दिखाते हैं किस तरह न्यू गांधी सेतु पुल का काम हुआ है। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं जीरो माल से आगे बढ़ चुका हूँ और जब आगे बढ़ने के बाद देखिए वहाँ पे काम मतलब नहीं हो रहा है, लेकिन इससे आगे देखिए आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे काम मतलब स्टार्ट है, मतलब जीरो माल से आगे देखिए आपको काम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए आगे जीरो माल से आगे बढ़ने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इधर काम चल रहा। और ये आपको रोड बता दें तो ये रोड 4 लाइन बनने वाला है, देख सकते हैं ये रोड 4 लाइन वाला बनने वाला। और जो पहले जो मतलब बना हुआ है वो भी तो अभी 4 लाइन है, मतलब 4 लाइन जब बन के ये कम्प्लीट हो जाएगा तो पूरी 8 लाइन का ये रोड हो जाएगा। देखिए बहुत सारा यहाँ पर रखाया हुआ है, देखिए जो साइड में जो लगाएगा, जो कि देखिए इधर लगा हुआ है, देखिए लगने के लिए साइड में देखिए यहाँ से यहाँ बन के वहाँ पे बहुत सारा रखा हुआ। तो चलिए आगे आगे भी आपको अपडेट देते हैं आगे मतलब किस तरह रफ्तार से काम चल रहा और कितना भी मतलब काम हुआ और कितना भी काम बाकी है। तो देखिए आपको आगे दिखा दिए जीरो माइल से, थोड़ा आगे देखिए वहाँ से मतलब काम स्टार्ट है और आगे देखिए कुछ उस तरह से काम मतलब चल रहा है, आपको दिखा दिया आगे। और साइड में देखिए मतलब जो साइड में जो अथी लगने वाला है वो भी लग चुका है। और आगे देखिए मतलब कुछ इस तरह से, और आगे भी देखिए आप बढ़ने के बाद देखिए आगे मतलब काम मतलब चल ही रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इधर काम मतलब रुका हुआ है अभी। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं आगे आ चुका हूँ, थोड़ा सा आगे आने के बाद हमको देखिए आगे मतलब ये चीज़ पता चला है कि जो रोड है, जो पहले वाला गांधी सेतु पुल से जाने के लिए जो रोड है ये उससे बहुत ऊँचा होगा, जो कि सामने आप देख सकते हैं एक अंडरग्राउंड जो इस पर उस पर जाने के लिए है। और आपको बता दें जो पूरा ऊँचाई होगा, जो मतलब ओवर मतलब ब्रिज बनने वाला, मतलब ब्रिज ऐसे बनते हुए सीधे आगे चला जाएगा जो कि जीरो माल के पास। तो चलते हैं आगे, आगे आपको दिखाते हैं। और जो मतलब यहाँ पुल बना हुआ है, जो कि इस पार से उस पार जाने के लिए अंडरग्राउंड मतलब रास्ता बनाया हुआ है, जो कि गाड़ी को इधर से उधर मतलब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए यहाँ से वहाँ तक पूरा ओवर ब्रिज बनने वाला है और सीधे आगे तक चल जाएगा, जो कि आगे आपको दिखाएँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं जो अंडरग्राउंड है जो किस तरह से बना हुआ है। और देखिए यही अंडरग्राउंड होने वाला है, जो कि गाड़ी को मतलब उस रोड से मतलब इस पर आने जाने के लिए, देख सकते हैं इधर जो मतलब दुकानें जो घर है इस तरफ आने के लिए अंडरग्राउंड पास दिया हुआ। तो देखिए आपको बता दिया, जो कि अंडरग्राउंड में मतलब ये बनने वाला रास्ता, जो कि इस पार और उस पर जाने के लिए अंडरग्राउंड बना दिया गया है, मतलब काम इस पर चल रहा है। और आगे आपको देखिए आगे कुछ इस तरह से काम चल रहा, जो कि उससे ऊपर ही होते हुए सीधे आएगा और सीधे आगे जो चला जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो पहला वाला जो रोड है उससे बहुत ऊंचा है, आप सोचिएगा कि अगर इसमें जाम लगा हुआ है तो उसमें चल जाए या इसमें चल जाए, नहीं, ताकि जिस तरह से आगे देख सकते हैं जो घेरा हुआ मतलब लगा हुआ रहेगा इस तरह इधर भी मतलब कर दिया जाएगा, सीधे घेर दिया जाएगा, जो कि आप न इसमें आ सकते हैं ना ही वाला उसमें जा सकते हैं। हाँ, सामने जो टर्निंग जो ग्लैमर होगा वहाँ से आप इस पार उस पार कर सकते हैं, लेकिन आप रास्ता में इधर से उधर आप नहीं कर सकते हैं। और देखिए मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ और आगे देखिए यहाँ से देखिए एक ग्लैमर मिल जाएगा, देख सकते हैं सामने एक ग्लैमर है, जो कि पटना कंकड़बाग जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है और सीधे जो चल जाती है सीधे गांधी सेतु पुल। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ तक ही काम मतलब रुका हुआ है, इससे आगे मतलब कोई अपडेट नहीं है और इसके आगे क्या काम है ये भी आपको बताते हैं।
और देखिए जिस तरह से यहाँ काम चल रहा है, देखिए यहाँ से ही एक दो रूट कट जाएगी, एक सीधे जो चल जाएगी जो गांधी से बिल्कुल सीधे चल जाएगी, और एक रूट देखिए पटना में भी मिल जाएगी, जो कि पटना की तरफ भी जाने के लिए एक रूट कटा हुआ है साइड में, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए आगे, आगे भी आपको दिखाते हैं उस पार। तो देखिए मैं अभी उस पार से देखिए इस पार आ चुका हूँ, जो कि एक गोलमोड आपको बताना है, एक रूट चल जाती है पटना कंकड़बाग के लिए। और देखिए इस पार देखिए कुछ इस तरह से काम हुआ है, देखिए मतलब इस पार देखिए काम स्टार्ट है, कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरह से काम इधर हुआ है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे हुआ जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अंडरग्राउंड रास्ता बना दिया गया है, जो कि उस पार से आने के लिए और उस पार जाने के लिए आपको ऊपर आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगा, आप अंडरग्राउंड होते हुए आप सीधे पटना जंक्शन आपको जाना चाहिए, कंकड़बाग आपको जाना है तो आप अंडरग्राउंड होते हुए आप उस तरफ जा सकते हैं। और देखिए आगे कुछ इस तरह से काम हुआ है, तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं आगे आ चुका हूँ, सामने आपको दिखा दिए जो कि गोलम्बर है और नीचे एक ओवर मतलब दिया जा रहा है अंडरग्राउंड जो इस पर उस पर, और सामने आपको बता दिए जो पटना की तरफ कंकड़बाग चला जाता है जंक्शन के। और देखिए आगे देखिए बढ़ने के बाद देखिए आगे देखिए कुछ इस तरह से काम आगे हुआ है, और यहीं तक आगे काम हुआ है और आगे इसके आगे काम नहीं, मतलब देखिए इसके काम आगे आपको नहीं दिखेगा। और सामने एक देख सकते हैं जो मुकुमा सिटी की ओर जाने के लिए भी एक रास्ता है जो कि आगे आपको दिखाएंगे, और एक रेलवे ट्रैक भी है और इसको भी क्रॉसिंग करते हुए आगे जाएगी, और इससे आगे मतलब काम अभी देखिए बीच में नहीं हुआ है, जो कि सामने से आपको देखिए जीरो मतलब जीरो माल से सीधे आते हुए आपको यहाँ से वहाँ से लेके आपको यहाँ तक आपको दिखा दिए। तो चलिए आपको इससे भी आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैं इस साइड आ चुका हूँ और आपको वहाँ पे बता दिए जो कि वहीं तक काम रुका हुआ है, और इस साइड देखिए कोई काम नहीं हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक बीच में कोई काम नहीं हुआ है, जो कि इसमें पूरा ब्रिज बनने वाला है, जो कि पूरा ब्रिज बनेगा पुल बनेगा। और आपको बता दें कि जिसको रेलवे ट्रैक भी क्रॉसिंग करेगा, एक देख सकते हैं जो सिटी की तरफ आने वाला भी है, जो कि इसको भी क्रॉसिंग करते हुए आगे तक जाएगी, और बीच में भी कोई काम नहीं हुआ। तो चलिए आगे आगे भी आपको पूरा अपडेट देते हैं किस तरह से आगे काम हुआ है। और देखिए यहाँ से ब्रिज देख मतलब आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से देखिए मतलब रेलवे के उस साइड से रेलवे मतलब ब्रिज जो रेलवे ट्रैक है उस साइड से आपको लम्बा ही आपको ब्रिज ही दिखेगा। आप रोड इस साइड देख सकते हैं, ये जो रोड है इससे अच्छा खासा देखिए कुछ दूरी में ही बना हुआ है, जो कि पूरा ब्रिज ही होने वाला है गंगा के उस पार तक, जो कि वैशाली तक। और देखिए इधर कुछ इस तरह से देखिए काम मतलब कंप्लीट है, आप देख सकते हैं पूरा लाइन से देख सकते हैं, पूरा पिलर से ऊपर देखिए पूरा छत सब कुछ दिया हुआ है आगे तक दिखा दिया हुआ है, जो कि आपको आगे दिखा दिए हैं जो कि रेलवे ट्रैक है उस साइड से लेके आगे देखिए ऊपर पूरा कंप्लीट है, और ऊपर का काम अभी चल रहा है और नीचे का काम आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट है। और देखिए मैं अभी गायघाट साइड आ चुका हूँ, और देखिए नीचे का देख सकते हैं, नीचे का देखिए कुछ इस तरह से पुल बन रहा है, और देखिए आगे मतलब कुछ गैपिंग में मतलब बचा हुआ है, और ऊपर देखिए छत का और रेलिंग का काम मतलब चल रहा है, और आगे देखिए छत मतलब दिया हुआ है आगे आपको ऊपर साइड आपको दिखाया था इसमें नहीं बना हुआ है, आपको ऊपर साइड में आपको दिखा दिया है। और यहाँ से देखिए यहाँ से पूरा सब कंप्लीट है, जो कि पिलर का काम ऊपर ढलाई का काम सारा कंप्लीट है आप देख सकते हैं। और देखिए जो न्यू गांधी सेतु पुल बन रहा है, जो पुराना जो बीच में जो रास्ता बचा हुआ है मतलब जगह बचा हुआ है, उसमें देखिए नाला बनाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा बीच में नाला बनेगा। और देखिए मैं आगे आ चुका हूँ, देखिए वहाँ पे आपको दिखा दिए थे जो कि यहीं तक पिलर मतलब यहीं पे ढलाई देखे कम्प्लीट है, और इसके आगे देखिए देखिए काम चल रहा है, और देख सकते हैं ये मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव से ऊपर भी मतलब ब्रिज बनेगा और सीधे चल जाएगा गंगा किनारे साहब, देखिए कुछ इस तरह से काम चल रहा है। चलते हैं आगे भी दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैं इस पर आ चुका हूँ, देखिए गंगा किनारे साइड आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं गंगा किनारे साइड देखिए सिर्फ पिलर ही गड़ा हुआ है, देख सकते हैं कुछ गंगा में कुछ इस तरह से पिलर का काम चल रहा है। तो चलिए आपको ऊपर से भी दिखाते हैं, ऊपर से भी नज़ारा आपको दिखाते हैं कुछ किस तरह से दिखता है, और देखिए गंगा किनारे में इस तरह काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ तरह यहाँ तक ही मतलब पिलर दिया हुआ है, पिलर्स के ऊपर ढलाई दिया हुआ है, मतलब यहाँ तक ही मतलब पिलर वाला काम ऊपर ढलाई वाला काम मतलब कंप्लीट है, और बीच बीच में गैपिंग भी है आपको दिखाया था, बीच बीच में मतलब ऊपर देने वाला मतलब ढलाई मतलब बचा हुआ है,
और देखिए कुछ इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट है। और न्यू गांधी सेतु पुल जो सीधे वैसे ही गंगा किनारे साइड बनते हुए आगे तक जाएगी, जो कि यहाँ तक कंप्लीट है। और आगे सिर्फ पिलर ही बन रहा है, अभी देखिए पिलर दिया हुआ है, पिलर बन रहा है। और पुनौरा गांधी सेतु देख सकते हैं बन के, मतलब पूरा स्पीड में रफ्तार में इस पर गाड़ी अब आती और जाती है। हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं जीरो माइल से आगे आते हुए मतलब गंगा किनारे साइड आ चुका हूँ। और आपको बता दूँ कि आपको वहाँ पर दिखाते हैं जहाँ गाय घाट तो स्टार्ट होता है, वहाँ पे कुछ कुछ पे मतलब पिलर दिया हुआ है, उस पर ढलाई देने का काम बाकी है। और जैसे देखिए आगे आते हुए देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहीं तक मतलब काम मतलब कम्प्लीट है। और देख सकते हैं पिलर दिया हुआ है, ऊपर ढलाई दिया हुआ है, देख सकते हैं। और ऊपर का काम अभी चल रहा है। और इसके आगे आप देखिए, इसके आगे देखिए एक पिलर यह है जो कि पिलर भी मतलब ढलाई दिया हुआ नहीं है। और ऐसे ही आगे देख सकते हैं गंगा किनारे सीधे, और गंगा किनारे साइड आपको दिखा दें तो गंगा किनारे के साइड आपको देख सकते हैं सिर्फ पिलर ही आपको दिखेगा। गंगा किनारे साइड में ऊपर मतलब कुछ अभी ढलाई का काम अभी कुछ बाकी नहीं, मतलब हुआ नहीं है, बहुत कुछ बाकी अभी है। उस पर वही पिलर दिया जाएगा, बहुत अभी काम मतलब गंगा किनारे में, मतलब गंगा में अभी काम मतलब बाकी है। और देखिए पुराना वाला जो गांधी सेतु पुल है जिस पर गाड़ी दौड़ रही है पूरी स्पीड से दोनों में। और देखिए, और एक देख सकते हैं मरीन ड्राइव भी है जो कि मरीन ड्राइव से ही क्रॉसिंग करते हुए जो कि आगे तक गंगा के उस पार तक वैशाली मतलब जाएगी हाजीपुर तक। और देखिए कुछ इस तरह से आगे तक लग काम बाकी है। और देखिए यही मरीन ड्राइव है जो कि दीघा की ओर जा रही है। और मरीन ड्राइव जो कंप्लीट है यहीं तक है, जो कि गाय घाट तक ही कंप्लीट है, आगे कंप्लीट नहीं है। और देखिए कुछ इस तरह से काम। हेलो दोस्तों, तो देखिए आपको दिखा दिए जीरो माइल से गाय घाट तक पुल तक, देखिए कुछ इस तरह से काम चल रहा है। कहीं कहीं बीच में मतलब काम छूटा हुआ है, सिर्फ पिलर गया हुआ है और ऊपर ढलाई देने का काम अभी बचा हुआ है। और गंगा किनारे साइड बताएं तो गंगा किनारे साइड सिर्फ पिलर बना है, ऊपर मतलब कोई काम नहीं है, अभी काम मतलब चल रहा है। और जिस तरह से रफ्तार से काम चल रहा है तो अच्छा खासा दिन लग जाएगा। तो बस एक छोटी सी जानकारी थी जो कि आपको जीरो माइल से गाय घाट तक आपको जानकारी दी है। तो अगर यहाँ से अब राम अस्सी चौक तक आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।